देश की सरकार भगत सिंह को शहीद नहीं मानती, जबकि आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लालपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग लेने लगे, जिसमें गांधी जी विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे। 14 साल की उम्र में ही भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की पुस्तकें और कपड़े जला दिए। इसके बाद उनके पोस्टर गाँवों में छपने लगे। 1921 में जब चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तो भगत सिंह पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल का हिस्सा बन गए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नंबर डाउन पैसेंजर से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया। ये घटना काकोरी कांड नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस घटना को भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और प्रमुख क्रांतिकारियों ने साथ मिलकर अंजाम दिया था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 सितंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अफसर जेपी सैंडर्स को मारा था। इसमें चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं बल्कि एक अध्ययनशील विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार और महान मनुष्य थे। उन्होंने 23 साल की छोटी सी उम्र में फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांति का विशद अध्ययन किया था। साथ ही उन्होंने अकाली और क्रांति दो अखबारों का संपादन भी किया था। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। न्यूज़ डेस्क।